दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेरिका में एक जगह ऐसी भी है जहां इतनी सुरक्षा है जितनी सुरक्षा वहां के प्रेसिडेंट के पास भी नहीं है? और ऐसा कौन सा देश है जहां के डॉक्टर जलने के जख्म का इलाज करने के लिए मछली का इस्तेमाल करते हैं? और क्यों दक्षिण सूडान के एक जज ने एक भेड़ को 3 साल की सजा सुनाई गई? यदि आप इन फैक्ट के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए हमारे इस नए वीडियो के आखिर तक। नंबर 10, किसी भी इंसान के लिए सबसे दर्दनाक जख्म जलने का जख्म होता है। वैसे तो जलने के इलाज के कई इफेक्टिव तरीके मौजूद हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से ब्राजील के डॉक्टर्स जलने का जख्म के इलाज के लिए तिलापिया नाम की एक मछली की स्किन का उपयोग करते हैं, और जले हुए मरीज के इलाज में ये स्किन काफी ज्यादा प्रभावी भी साबित हो रही है। इस मछली की स्किन में प्रचुर मात्रा में कोलेजन और नॉन इफेक्टिव माइक्रोबायोटा मौजूद होता है, जो जख्मों को तेजी से भरने में मदद करता है। नंबर 9, एरिया 51, एक ऐसी जगह जहां पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी मौजूद है। और तो और, इस जगह के 5 किलोमीटर के आसपास तक कोई आ जा नहीं सकता, और यदि कोई साधारण इंसान वहां भटकता हुआ दिखाई देता है तो उसे सीधा गोली मारने का आदेश है। ये सारी बातें सभी के मन में कई सवाल पैदा कर देता है कि आखिर एरिया 51 में ऐसा क्या है। वैसे तो ज्यादातर लोगों को पता होगा कि एरिया 51 के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ साइंटिस्ट और एलियंस एक साथ मिलकर रिसर्च कर रहे हैं। तो वहीं बहुत लोगों का कहना है कि यहाँ अमेरिकन साइंटिस्ट एलियंस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ एक बार UFO क्रैश होने की खबर आई थी। और इस जगह के बारे में लोगों का कहना है कि यहाँ आसमान में कई बार कई तरह की लाइट्स को देखा जाता है, लेकिन आज तक इस जगह की असलियत के बारे में कोई नहीं जानता। इसी अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। नंबर 8, माइक टाइसन को आज दुनिया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैवीवेट बॉक्सर ऑफ ऑल टाइम के रूप में जानती है। लेकिन क्या आपको पता है कि माइक टाइसन आज इस मुकाम पर हैं? वो वहां नहीं होते अगर बचपन में उनका एक कबूतर ना मरा होता। दरअसल जब माइक टाइसन छोटे थे तब उनके मोहल्ले के एक बदमाश बच्चे ने उनके कबूतर को मार दिया। वो बच्चा काफी ताकतवर था जिससे भिड़ने से माइक को डर लग रहा था, लेकिन उन्हें अपने कबूतर की मौत का बदला लेना था। इसीलिए उन्होंने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए बॉक्सिंग सीखनी शुरू की, और उसके बाद जो हुआ वो दुनिया के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। नंबर 7, दुबई के बाद अब सऊदी अरब भी खुद को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप कर रहा है, और इसी वजह से वो आए दिन नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है। अभी हाल ही में सऊदी अरब ने दुनिया की सबसे बड़ी याच बनाने की घोषणा की है। इस याच के डिजाइन और डिटेल्स भी सामने आ चुकी हैं, जो दिखने में एक महल से भी बढ़कर है। पंजियोस नाम के इस यॉट का निर्माण कछुए की शेप में किया जाएगा। इसकी लंबाई लगभग 1800 फीट होगी और इसमें एक बार में 60,000 लोग रह सकेंगे। बेसिकली ये यॉट फ्लोटिंग सिटी होगा जिसमें विलास, मॉल और बीच क्लब समेत सारी लग्जरी सुविधाएं मौजूद होंगी। इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग $5 बिलियन का खर्च आएगा। नंबर 6, दोस्तों अब हम आपको दुनिया के ऐसे हिडन बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे करके आप मालामाल बन सकते हैं। आप जब भी किसी सलोन या पार्लर में बाल कटवाने जाते हैं तो आपको लगता होगा कि ये कटे हुए बाल अब वेस्ट हो गए हैं, तब ये सब बर्बाद नहीं होते बल्कि इन्हें इकट्ठा करके इंडिया की छोटी छोटी फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। फिर वहाँ इन कटे हुए बालों को साफ करके विदेशों में भेजा जाता है, जहाँ वो इनका यूज करके विग बनाते हैं। साथ ही इनका यूज हेयर ट्रांसप्लांट के लिए भी किया जाता है। इसका हर साल करोड़ों में बिजनेस होता है। नंबर 5, दक्षिण सूडान से एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया जहाँ एक महिला की हत्या करने के आरोप में एक भेड़ को 3 साल कैद की सजा मिली। इस भेड़ ने अधियू चपिंग नाम की महिला पर हमला कर दिया जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गई और बाद में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने भेड़ को महिला की मौत का जिम्मेदार मानते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। भेड़ पर हत्या का केस चलाया गया। दोषी साबित होने के बाद जज ने उसे 3 साल की जेल की सजा सुना दी। इसके अलावा भेड़ मालिक को ये आदेश दिया गया कि वो पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर 5 गाय खरीद कर दे, और जब भेड़ 3 साल की सजा काट कर वापस लौटे तो उसे भी पीड़ित परिवार को दे दिया जाए। नंबर 4, वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों को पैसा रास नहीं आता और पैसा देखते ही उसे उड़ा देते हैं या कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे कि बाद में पछतावा होता है। तो ऐसा ही कुछ पायरेट्स ऑफ कैरेबियन के मशहूर एक्टर जॉनी डेप ने किया। उन्होंने पायरेट्स ऑफ कैरेबियन के बाद लगातार हिट मूवीज करी और ढेर सारा पैसा कमाया, लेकिन प्राइवेट आइलैंड, वाइन्स और केमिकल सब्सटेंस के साथ उन्होंने तरह तरह की चीजों में काफी ज्यादा पैसा उड़ाया,
जिस कारण से साल 2017 में ये पूरी तरह से कंगाल हो गए और एक समय तो ऐसा भी आया कि उनकी हालत इस कदर हो गई कि उनके पास अपना गुजारा करने के लिए भी पैसे नहीं थे। पर अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हाल में उनका करियर अच्छा चल रहा है और ये अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। पर अब ये पहले की तरह अपने पैसों पर अय्याशी नहीं करते और पैसे बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं। नंबर 3, अगर किसी जगह पर कोई घुसपैठिया आकर रहने लगे तो ज्यादा से ज्यादा हफ्ता 10 दिन में उसके बारे में पता चल ही जाता है। बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि माइकल टाउनसैंड नाम का ये बंदा 4 सालों तक एक मॉल में घुसपैठिया बनकर रहा और वो भी मॉल के बेसमेंट में अपना शानदार अपार्टमेंट बनाकर। माइकल टाउनसैंड हर सुबह जॉगिंग करते हुए मॉल के पास से गुजरता था। इसी दौरान उसकी नजर मॉल के बेसमेंट में मौजूद अनयूज्ड हॉल पर पड़ी और फिर काफी प्लानिंग करके उसने चोरी छिपे उस हॉल में अपना एक सीक्रेट फ्लैट बना लिया। इस सीक्रेट फ्लैट में माइकल 2003 से 2007 तक रहा। आखिरकार सिक्योरिटी गार्ड ने एक दिन इसे पकड़ लिया। इसके ऊपर केस चला जिसके बाद अदालत ने इस शख्स को मॉल के अंदर जाने से हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया और बेचारे का बसा बसाया घर उजड़ गया। नंबर 2, देखने में तो ये होठ की तरह लग रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे किसी कलाकार की कलाकारी हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये किसी कलाकार की कलाकारी नहीं बल्कि एक पौधा है। इस पौधे का नाम कॉनोफाइटम पिजय है। ये पौधा मुख्य रूप से साउथ अफ्रीका और नामीबिया में पाया जाता है। अपने होठ जैसे लुक के कारण ये पूरी दुनिया में काफी ज्यादा मशहूर है। नंबर 1, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि धरती पर मौजूद पानी असल में सूरज से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि जो पानी आज भी आप पी रहे हैं वो इससे पहले एटलीस्ट 10 लोगों के शरीर से गुजर चुका होता है। दरअसल जो पानी हम पीते हैं वो किसी न किसी रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है एंड देन वही पानी नेचुरली प्रोसेस्ड होकर नेचर में वापस लौट आता है। इसी आधार पर रिसर्चर्स ने रिसर्च करते हुए ये आंकड़े बताए हैं। तो दोस्तों, क्या आप इनमें से किसी फैक्ट के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट्स में बताइए। धन्यवाद।